ग्रामीण पंचायत यात्रा दिनांक 20 अगस्त सन 2020 पंचायत नैली नगर प्रखंड जिला गया मुखिया श्रीमती श्वेता सिंह के पंचायत का विकास खबरी बाबू के साथ। खबरी बाबू की टीम पहुंची है बिहार के गया जिले के नगर प्रखंड पंचायत नैली पंचायत में, जहां की मुखिया है श्वेता कुमारी सिंह। चलिए जानते हैं उनके विकास कार्यों के बारे में। आज हम लोग आए हुए हैं ग्रामीण पंचायत यात्रा पर। द खबरी बाबू की टीम सर्वेक्षण करेगा ग्रामीण पंचायत यात्रा का। ग्रामीण पंचायत यात्रा के दौरान आज नैली पंचायत में है। आज हम लोग जानने का काम करेंगे कि किस तरह से जमीनी हकीकत कोरोना काल में चल रहा है ग्रामवासियों के साथ में, इसे जानने की ज़रूरत है। इसे जानने के लिए आज हमारी टीम नैली पंचायत में आई हुई है। नैली पंचायत के दुभल गांव में लोग से मिलते हैं, आइए। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि अगर गांव गण राज्य बन जाए तो देश तो ज़रूर ही तरक्की होगी। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि आज़ादी के समय से अभी तक का पहला ऐसा हम लोग का गांव और हम लोग के पंचायत में विकास हुआ है जो नज़र आ रहा है। लेकिन आजकल गांव में भी जल मीनार, लोग पहले चापाकल के पानी पीकर ही संतुष्ट करते थे, लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं कि गांव में भी जल मीनार है और घर घर में पाइपलाइन पहुंची हुई है। तो सचमुच विकास का एक अलग नज़रिया बिहार में देखने को मिल रहा है। और आज हमारे इसी गाँव से एक लोग हैं, मैं उनसे बात करवाता हूँ। किस तरह का विकास चल रहा है, जल नल योजना यहाँ हुआ है कि नहीं? जल नल योजना हुआ है यहाँ। ये पंचायत नैली पंचायत में, नैली पंचायत में दुभल गांव है, लेकिन नैली पंचायत में कहां कहां जल नल योजना और साथ साथ हरियाली योजना पहुंची है बिहार सरकार का? जल नल योजना तो करीब करीब सब गांव में हो गया है, और जल हरियाली वाला है तो दुभल पोखर पर पेड़ लगवाए हैं। दुभल पोखर पर पानी लगा है, पेड़ लगा है। अच्छा, यहाँ का जो पानी, जो जल मीनार है, इसकी सुविधा किस किस गाँव तक जाता है? इसी गाँव तक लिमिट है या और भी कई गाँव में जाता है? इसी गाँव के। तो इस तरह से मीनार तो हर गांव में खोजता है, हर वार्ड में। जैसा कि इनका कहना है कि जो इस तरह के छोटे छोटे जल मीनार देख रहे हैं, हर वार्ड में चाहिए। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। आज हम लोग आए हुए हैं ग्रामीण पंचायत यात्रा पर। ग्रामीण पंचायत यात्रा के नगर प्रखंड के नैली पंचायत में, नैली पंचायत में श्रीमती श्वेता सिंह जी जो कि मुखिया हैं, और किस तरह से विकास हुआ हमारे नैली पंचायत में, उसको जानने के लिए नैली पंचायत में आए, लोगों से मिला, कई फीडबैकें मिली। यहां पर जीवन हरियाली और भी कई तरह का कार्यक्रम चल रहा है जो बिहार सरकार के द्वारा नियोजित है। आइए आज हम जानेंगे, मुखिया जी यहाँ पर नहीं है लेकिन उनके प्रतिनिधि हैं श्री बबलू सिंह जी, उनसे जानेंगे कि किस तरह से विकास का कार्य आपके पंचायत में चल रहा है, जहाँ गाँव भी आज हर तरह से जल की मीनारें पहले नजर नहीं आती थी, सड़क नजर नहीं आती थी, लेकिन गांव में जब गए छोटी छोटी जल की मीनार नजर आ रही है। यानी यह सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं विकास पहले की अपेक्षा में आजादी के बाद बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आइए हम जानेंगे मुखिया के जनप्रतिनिधि से कि किस तरह से आपके पंचायत में हर तरह का सुविधा पहुंच रहा है, चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे किसी तरह का कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना के दौर में हर कोई चिंतित है, कोरोना वैश्विक महामारी में हर कोई बेताब है, ना रोजगार है, ना उनके पास रहने का कोई साधन, बहुत सारी गरीबी हालत भी है, लेकिन इनके पंचायत में किस तरह का कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया, जो कहा गया बिहार सरकार के द्वारा कि मुखिया तक पहुँचाई गई, मुखिया द्वारा गाँव के लोग तक पहुँचाया जा रहा है। तो आइए हम जानेंगे मुखिया के जनप्रतिनिधि बबलू सिंह से कि कैसे आपके पंचायत में कार्यक्रम हो रहा है। मैं बबलू कुमार सिंह, मुखिया पति। मेरे पंचायत में बहुत ऐसे रोड थे कि जो आज़ादी से ही नहीं बना था, और इस समय हमारे पंचायत का लमसम 75% रोड बन चुकी है। जलन हरियाली की ओर से भी कुछ काम हुई है और वृक्षरोपण भी हुआ है, और गांव का में नल जल का भी काम हुआ है, सात नीचे की योजना से भी काम हुई है, ये सब बहुत बढ़िया काम। अभी आपके गांव में हमने देखा, जब आपके गांव में आए दुभल में, पहले जब गांव में जाते थे तो जल
लोग चापाकल से ही पीते थे, यानी पानी का जो भी, चाहे मोटर का जो भी होता था अपना होता था, लेकिन सरकारी छोटी छोटी मीनार लगा हुआ है, क्या आपके कार्यकाल में लगा या पहले के कार्यकाल में ये लगा हुआ है? नहीं, मेरे कार्यकाल में लगा है। साथ नहीं की ओर कोरोना महामारी पर किस तरह का आपका कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर? कोरोना महामारी में तो बिहार में सबसे पहला कोरोना नहीं गया जिला में सबसे पहला कोरोना मेरा ही पंचायत में हुआ था, वो पहाड़पुर में। और मैं पूरे पंचायत को सैनिटाइज वगैरह भी किया, कुछ लोग को मास्क का भी मुहैया कराया। ये जो आपके पंचायत में बहुत सारे अनुसूचित जनजाति भी हैं, क्या उन तक खाने पीने में तो बहुत सारे परेशानी, क्या है कि जब चल रहा है लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के दौरान जो शुरुआती जब पहला लॉकडाउन था, जब लॉकडाउन के दौरान लोग घर में रहते थे, बहुत सारे मजदूर थे जो बाहर बाहर से लोग भी आए हुए थे, तो उनका जीवन यापन कैसे चलता होगा? सरकार की ओर से बहुत कम दिया गया। कुछ लोग जैसे हमारे पंचायत में कुछ लोग खुद अपने ही बांटे हैं और कुछ डीलर साहब भी बांटे हैं, लेकिन सरकार का योजना में हम अपने खुद बांटना चाहे तो DM साहब बोले कि नहीं, आप खुद नहीं बांट सकते, भीड़ नहीं लगा सकते हैं, तो हम अपने से नहीं बांट पाए। नहीं, उस टाइम तो प्रोटोकॉल था जिसके वजह से DM साहब ने बोला होगा कि आप घर में रहिए, हम अपने सरकार की ओर से जो भी सुविधा होता है मैं देता हूँ। लेकिन ये जो आपकी ओर से फिर सेकेंड लॉकडाउन में तो भी आप लोग आपकी ओर से उनको हेल्प किया गया होगा? हाँ, हेल्प किया गया, जो गरीब आदमी थे आए उनको पास कुछ मुहैया कराए, कुछ चावल भी दिए, कुछ दाल वगैरह दुनियादारी सारे चीज आलू वलू सब व्यवस्था करवा के लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। आइए, ये थे बबलू जी जो कि मुखिया पति भी हैं और ये प्रतिनिधि भी हैं मुखिया के, जिन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन महामारी में सरकार की ओर से ऐसे प्रोटोकॉल दिया गया था कि कोई भी ना विधायक ना मुखिया ना किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी घर से बाहर ना निकलें, हमारी जो कोशिश होगी सरकार के द्वारा ही पहुंचाया जाएगा। जैसा कि इनका कहना है कि कुछ सोशल माध्यम से, कुछ सरकारी मदद से, कुछ डीलर के माध्यम से अनुसूचित जनजाति तक पहुँचा, या इन्होंने कहा कि मास्क साबुन वगैरह जितना भी सुविधा होती है उन तक हमने पहुँचाया है। और एक आज़ादी के बाद एक अलग सा लग रहा है गांव में, जब हम लोग आए हैं यहां पर तो एक अलग फील हुआ है, हमारी गाड़ी जो है गांव तक पहुंची है, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनी कुमार के साथ में चंदन भारती।